राधे राधे दोस्तों, पहले मैंने ये वीडियो शेयर की थी जैकेट की, कलरफुल जैकेट की। ये देखिए पीछे से, और अब मैंने ये कैप बनाई है इसी की मैचिंग की, और ये शूज बनाए। अगर मैंने अच्छे बनाए तो आप लाइक करना और शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। ये मैंने कैसे बनाए ये सब कुछ मैंने इस वीडियो में शेयर किया है, लिखा भी है पिक्स के ऊपर कि कितने फंदे डालने हैं, कैसे सिलाई करनी है, कैसे ये बनाया है मैंने। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। राधे राधे दोस्तों, ये मैं न्यू बॉर्न बेबी की कैप बना रही हूँ, जो जैकेट मैंने शेयर की थी उसी की मैचिंग की। तो मैंने यहाँ पर 20 फंदे डाले हैं, 20 फंदे डालकर उसी की जो बटन पट्टी थी वैसे ही मैंने ये चेक डाल दिए हैं। 4/8 के हिसाब से इसकी लंबाई की है, और फिर ऊपर 80 फंदे उठा लिए हैं यहाँ से, और 80 फंदों पर इतने 5 सिलाई उतारने के बाद फिर 10 फंदे बुनकर, और 10 इधर और 10 इधर, और एक के बीच में 3 का एक करती हुई चली जाऊँगी ऐसे 20। इस 4 जैसे जाली बढ़ाते वैसे ही मैं यहाँ से घटा दूँगी, तो कैप की शेप बन जाएगी। यहाँ से बॉर्डर डालकर ये स्ट्रिप्स बना लिए 4/8 के साइज़ के हिसाब से। फिर मैंने यहाँ से 80 फंदे, यहाँ 80 फंदे उठा लिए हैं, और फिर 3 का एक एक करके एक इधर ऐसे 7 फंदे एक साथ घटाती हुई चली गई हूँ। ऊपर इतने फंदे बचे हैं, अब इसको इतने छोड़कर इसको ऐसे कर दिया। ब्लैक ऊन से करते हैं, लेकिन मैंने दिखाने की वजह से ऐसे जिससे अलग से दिख जाए, ये इस तरह से ये बन गया। अब यहाँ से ऐसे सिल देंगे, तो ये देखिए न्यू बॉर्न बेबी के हिसाब से इतनी। अब इसके लिए जो फूल सा बनता है वो बनाती हूँ। ये शूज़ हैं न्यू बॉर्न बेबी के। अब ये इतने बन गए हैं मेरे, अब इनको इस तरह से करके एक फंदा इसमें से लूँगी, एक इसमें से, और यहाँ तक घटाती हुई चली जाऊँगी इस तरह से। इसमें से लेके इसमें डाल दिया, एक उस सिलाई में से, एक इस सिलाई में से लेके इसे घटा दिया है। अब इसे सीधा करके ये यहाँ पर यहाँ सिल देंगे सुई धागे से। अब इसे सिल देंगे इस तरह से, सॉक्स के लिए इसकी डोरी बनाएंगे, इसे उतरेंगे नहीं, लूज नहीं रहेंगे। इलास्टिक से थोड़ा निशान बन जाते हैं बच्चों के, तो इसलिए उनकी डोरी ही लगा देते हैं।